गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सृष्टि डुभाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड कराने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एकदम कंप्लीट करा दिया था, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। चैप्टर ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इन चैप्टर 1, चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं, और वे आइडेंटिफाई करते हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, जहाँ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ से हमने फूड आइटम्स लिए थे और अपने टेबल में फिल किए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, और ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ रेडी फिंगर्स भिंडी, येट अनदर मील कुड बी अपम फिश करी एंड वेजिटेबल्स। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है, हमारा मील होता है खाने का, जैसे हमने खाने में चपाती रखते हैं, दाल रखते हैं, ब्रिंजल करी रख दिया या तो कुछ और रख दिया। अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग अपने टाइप का भोजन भी रखते हैं, जैसे कुछ लोग सांबर रख देते हैं, कुछ लोगों को भिंडी पसंद है, एक मील टाइप का। और उस मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट फैट, ये सब हमें बताया जाएगा इस चैप्टर में। ओके, तो इस वीडियो में आपको एक्टिविटी 1 कंप्लीट कराऊंगी। एक्टिविटी 1 इधर ध्यान दें, अवर मील्स यूजली हैव अ एट लिस्ट 1 टाइम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रीन, अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ फिश डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड बटर मिल्क एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल्स आर मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। Select food items you depicted on the map in chapter number 1. Add some more meals in the list and enter these in table 2.1. इसमें हमसे पूछा जा रहा है मतलब कि अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग टाइप के वो खाते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई होगी 2.1, इसमें देखो इसमें स्टेट दे रखा है वो कौन सा ग्रेन खाते हैं, अब दाल या मीट क्या खाते हैं वो, उसका वेजिटेबल कौन सी खाते हैं, और अदर्स में तो अदर्स ही रहेगा ना, पिकल विकल जो हम स्पेशली जोड़ कर रखते हैं अपने साथ। अब स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं हमें पंजाब दे रखा है, ठीक है। आइटम ऑफ ग्रेन क्या है उनका, मक्की कॉर्न बोल लो, रोटी। अगर आइटम ऑफ दाल मीट, दाल का देख लो, राजमा, किडनी बीन्स, बीन्स होती है एक। वेजिटेबल्स में देखेंगे सरसों का साग वहाँ पे वेजिटेबल्स में पंजाब में खाया जाता है स्पेशली। अदर्स में कर्ड घी वो जोड़ ही लेते हैं अपना। और अब दी नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश पता, यहाँ पे आइटम ऑफ ग्रीन केयर राइस खाते हैं यहाँ पे ज़्यादा, आइटम ऑफ दाल या फिर मीट तोर दाल खाते हैं, कौन सा दाल खाते हैं, तोर दाल, और रसम खाते हैं, रसम एक यहाँ की डिश होती है, सूप टाइप का होता है एक रसम, वो खाते हैं, और एक तोर दाल खाते हैं। वेजिटेबल्स में है कुंदरू एक टाइप की सब्जी होती है, यहाँ आंध्र प्रदेश में बहुत खाया जाता है, यहाँ इंडिया में मिलती है, दिल्ली में मिलती है। अदर्स बटर मिल्क घी पिकल अवाकाई, इनके उसमें कुछ बोलते होंगे, इनकी वेजिटेबल है पिकल को अवाकाई बोलते होंगे। हाँ, तो अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा है हमको भरने के लिए, ये 5-6 ऑप्शन हम अपनी मर्जी से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन की जगह बची हुई है तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अपने दिल्ली की बात कर लेते हैं, अपने दिल्ली, और आइटम ऑफ ग्रीन क्या है, राइस या वीट, राइस वीट खाते हैं, और आइटम ऑफ दाल का आइटम क्या, उड़द दाल और राजमा अरहर, उड़द दाल होती है यहाँ पे, राजमा होती है, अरहर होती है। वेजिटेबल्स क्या लेंगे, लेडी फिंगर, लीफी वेजिटेबल्स बहुत होती है दिल्ली में, इसमें लेडी फिंगर भी होती है। अदर्स में कर्ड घी बटर पिकल आ ही जाएंगे अदर्स में, तो बाकी आप ज़रूर अपनी मर्जी से आगे जोड़ते जाइए। हाँ, तो मैंने आपको एक्टिविटी 1 का एक थोड़ा सा पार्ट करा दिए, कहाँ से कितना करा दिए, ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। लिस्ट मैंने आपको बता दिए, और जोड़िए मील्स, जोड़िए कोई भी स्टेट रीजन जहाँ के आप हैं वहाँ का भी जोड़ते जाइए जहाँ के आप, इससे क्या होगी टेबल आगे बढ़ती जाएगी, आपकी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट मैंने करा दिए। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटी इन अवर मील्स। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी वैरायटी में सारे मील्स नहीं होते हैं, ये रियली नहीं, सारे मील्स नहीं होते हैं वैरायटी के लिए। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट
whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. कभी कभी क्या होता है, जो हमारे आस पास पॉसिबल होते हैं हम वो ही खा सकते हैं. कभी कभी कुछ पॉसिबल नहीं होता है उस टाइम के हिसाब से, तो हम वो जो वैरायटी ऑफ आइटम्स अलग टाइप की वैरायटी नहीं खा पाते हैं. ओके, आजकल तो सभी वैरायटीज़ के आइटम्स हो गए. बस कभी कभी जैसे गाँव था एक इलाका है वहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हमें उस वैरायटी का खाना नहीं मिल पाता है. ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग, कितना पार्ट करा दिए. नेक्स्ट देखिए, देन मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजली कंजिस्ट ऑफ सच आर डिस्ट्रीब्यूशन. डू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. आप स्टूडेंट्स, अब मेन आता है, अब कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है, बहुत से टाइप की चीज़ें होती है जो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर ज़रूर बताने वाली हूँ. ठीक है, तो मैं देखते क्या है. हमारी बॉडी को प्रोटीन के हिसाब से हमें प्रोटीन का खाना बहुत ज़रूरी है. प्रोटीन के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, एग खाना चाहिए. किसी को आयरन की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है किसी को, तो आयरन की चीज़ बहुत है. हमारी बॉडी को जितने भी में हर टाइप का खाना चाहिए होता है, हर टाइप की वेराइटी. प्रोटीन के लिए हमें ये वाला खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें ये वाला खाना खाना चाहिए, फैट के लिए हमें ये वाला खाना खाना चाहिए, आयरन के लिए हमें ये वाला खाना खाना चाहिए. तो हमारी बॉडी को काइंड्स ऑफ फूड, हमारा जो हमारा पर्पज़ है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो अलग टाइप के थोड़ा ही हो पर कम अमाउंट में खाना जरूर है इसको. ठीक है, इसे पार्ट करा दिया. अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2.1 दे रखा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. हमें खाना बनाने के लिए तो पता ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स सोर्स भी प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं, और इंग्रेडिएंट्स भी प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, मैंने आपको पिछले चैप्टर बताया था, ये हमारे भोजन के सोर्स हैं. अब दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट वी नीड बाय अवर बॉडी. ठीक है, अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स मतलब घटक होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, नीडेड बाय अवर बॉडी. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड. कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान दे दर. न्यूट्रिशियंस, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशियंस. The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. अभी कौन कौन सी न्यूट्रिशन होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए मेजर न्यूट्रिशंस है बच्चों. अब इनके नेम दे रखे हैं हमको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. अब न्यूट्रिशन हमारे पास इन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, आगे हमें बस भोजन से आते हैं. अब भोजन आगे हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी. कुछ फूड के लिए जो हमें डाइटरी फाइबर की भी जरूरत है, और वाटर तो स्पेशली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये कुछ और न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. आगे देखिए, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिशन. हर फूड में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन जरूर होते हैं स्टूडेंट्स. विद सम सिंपल मैथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इन्ग्रीडियंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिशंस. कोई भी कच्ची चीज में हम ट्राई कर सकते हैं, विद सिंपल मैथड से हम ट्राई कर सकते हैं कुक करते हुए. रॉ चीज़ों में स्पेशली ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता है, जैसे कि अगर हम भुट्टा खाना चाहेंगे तो हम भुट्टे खाएंगे तो उसमें रॉ खाएंगे, भून के खाएंगे तो उसमें ज़्यादा में न्यूट्रिशंस मिलेगा. उबाल के जो उसके न्यूट्रिशंस होते हैं वो थोड़े कम होने लग जाते हैं. इसी में ये बता रखा है, द टेस्ट्स फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब ये टेस्ट हमें यहाँ पर प्रेजेंस होंगी कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, और अदर न्यूट्रिशन से भी टेस्ट होंगे. ओके, लेट अस डू दीज टेस्ट्स. अब इस टेस्ट को डू करते हैं और रिकॉर्ड करेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस टेबल 2.2 में. ओके, टेबल 2.2 में करेंगे. देखते हैं आगे क्या है. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. अब जब हम ये कार्बोहाइड्रेट, हम बताओ कैसे, जैसे आलू लेंगे हम, आलू
कि आलू में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसका हम टेस्ट करेंगे। ओके, और टेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ तो चाहिए ही होगी, जैसे खाने के लिए इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होते हैं, इसे टेस्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। हमको क्या चाहिए होगा, आयोडीन, आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए होगा, और एक फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, थोड़े टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगे, ड्रॉपर, और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। ओके, आगे देखिए, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, जो हम खाने लायक होते हैं उन रॉ मटेरियल्स पे हम ये सब टेस्ट्स करेंगे। टेबल 2.2 में शोज, टेबल 2.2 शोज यू आर वे टू रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। टेबल 2.2 में हम सब कुछ शो कर देंगे इन टेस्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, फ्रॉम दीज टेस्ट्स सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, कुछ फूड आइटम्स हमें टेबल में गिवन दे रखी हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईथर विद दीस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, थोड़े तुम इन टेबल में से भी ले सकते हो कुछ फूड आइटम्स और उसे भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और कुछ अवेलेबल हो तुम्हारे पास दूसरे फूड आइटम्स तो उसे भी ले सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुल एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट को केयरफुली करें, बहुत केयरफुली, और किसी भी केमिकल को ईट या टेस्ट ना करें, इससे हमारी बॉडी में बहुत खतरा हो सकता है। आगे देखिए, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडी मेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स, ये जो सॉल्यूशंस जो होंगे ना, जो टेस्ट होगा, ये रेडीमेड फूड में अवेलेबल नहीं होगा, ये तुम्हारी टीचर तुम्हें प्रिपेयर करके देगी बॉक्स में, ठीक है। जब तुम्हारी टीचर देगी, ध्यान से भी पढ़ लो, उसके बाद तुम अपनी क्लास में जरूर ट्राई करना। ओके, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, आप हमें जब टेस्ट करेंगे तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, और फिर टेस्ट करेंगे फिर हमें अच्छे से यकीन हो जाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कुछ चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम पोटैटो ले सकते हैं, पोटैटो टेस्टिंग फॉर स्टार्च ऐसे हम कर सकते हैं। हमें वैसे फूड आइटम्स चाहिए होंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिस टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर वो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हो सकता है, फिर हम टेस्ट करेंगे फिर हमको यकीन हो जाएगा कि इसके अंदर है कि नहीं है। दीज आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स, जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो फाउंड मतलब कहाँ पाया जाता है, फूड में पाया जाता है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की या शुगर्स की फॉर्म में। ओके, वी कैन ईजिली टेस्ट कर सकते हैं इट अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च, अब हमें ये नहीं देखना कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके अंदर हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स होती है, स्टार्च और शुगर्स होती है, हमें उसके अंदर ये देखना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। अभी कैसे देखेंगे, वो देखेंगे हम एक्टिविटी नंबर 2 में। आज की एक्टिविटी नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारी ख़त्म होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी नंबर 2 कराऊंगी, और यहाँ पे कुछ 3 दे रखे थे, अभी इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे दे रखा था, ए डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा। अब इसमें बोलता है कि कैसे कार्बोहाइड्रेट हम फाइंड कर सकते हैं, स्टार्च कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है एक डिल्यूट सॉल्यूशन चाहिए आयोडीन का, जिससे कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, कुछ ड्रॉप्स हमने उसे ऐड करनी है, एक टिंचर आयोडीन एक टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल्ड करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है उसे डिसॉल्व करने के लिए 2 ग्राम डालेंगे, ओनली 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, उसके बाद ये तो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को करने के लिए कहा था, उसके बाद कॉपर सल्फेट हम 100 मिलीलीटर डालेंगे वाटर में। ओके, ये हो गया 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर, 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालेंगे डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 100 मिलीलीटर वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालेंगे, मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ताकि जो रिक्वायर्ड हो कास्टिक सोडा की वो पूरी हो जाए, किससे होगी, वाटर से, जब वो 100 मिलीलीटर वाटर डालेंगे उसके ऊपर 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालेंगे। ओके,
तो ये मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे टेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे एक बता रखा था हमको, मैंने तुमको ये बता दिया स्टूडेंट्स कैसे कैसे इसे करते हैं। यहाँ पे दे रखा था हमको ये एडिल्यू सॉल्यूशन, आयोडीन, एक बॉक्स के अंदर सारी मैडम तुमको करके देगी, सब बताएगी, मैंने पढ़ा दिया है, इसे अपनी क्लास में ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। एक्टिविटी वन कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी टू कराऊंगी। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ओके।